Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Cremation grounds in India are overrun. But are all those dying even being counted? Furnaces at funeral sites are melting. But is the data, the official data, telling you the complete truth? It looks like an inferno or a forest fire has swept through this corner of the world. Clouds of grey smoke fill the sky. The dust rises up from the ground. And for as far as the eye can see, there are just funeral pyres and more pyres. So many that you can't even keep count. It is 7 p.m. in the evening on the 20th of April. The day is almost drawing to a close. And yet, there are dozens of families still waiting, desolate and in grief. In some makeshift ambulances like this one, there are bodies still lying all wrapped up at the back. There is simply no space at the cremation site in Ghaziabad, which is an hour's drive from the center of the capital and in adjoining Uttar Pradesh. The families we meet all have the same tragedy to share. Private hospitals that shut their door, oxygen that ran out, ventilators that were not available, and money that was not enough. At this cremation site in Ghaziabad in Uttar Pradesh, while there's a thunderstorm, a kind of dust storm raging as if to suggest that even the skies are grieving, there are so many funeral pyres being burnt that we can barely keep count. But it is easy to get lost in the numbers. Behind every pyre is the story of an individual tragedy. And we want to hear from these voices because these tragedies are not just about cold statistics. Mere saath yahan par Harsh hai aur main inse baat kar rahi thi aur main yahi keh rahi thi ki aandhi to is tarah aa rahi hai jaise aasman bhi ro raha ho. Harsh, aap kya karte hain aur aapki family mein kiski death? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं और मेरी फैमिली में एक मेरी बुआ जी हैं जो आज ख़त्म हुई हैं और सुबह मेरी बहन के देवर थे वो ख़त्म हुए और दो दिन पहले उनके ससुर ख़त्म हुए. तो आप कह रहे हैं आपके परिवार में तीन लोगों की डेथ हो गई मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर? जी. और तीनों की कोविड से? जी, कोविड से. और सर ये बताइए कि अस्पताल और मेडिकल अटेंशन में मिलने में मदद मिलने में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम उसमें जैसे प्राइवेट में हमने भर्ती कराया तो सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं वो, उनका पैसा पूरा हो जाता है 50-60-70 हज़ार रुपये, उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है निकालो यहाँ से. उसके बाद आपके साथ ऐसा हुआ? जी जी. आपको अस्पताल ने बोला ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ पे वो वेंटिलेटर नहीं है, आप निकालिए जहाँ मर्जी ले जाइए. ये कौन सा अस्पताल था? ये फिलोरा हॉस्पिटल है प्रताप विहार में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल. जी. उसके बाद उन्होंने निकाला, फिर हमने कोशिश की बहुत, जब नहीं हो पाई तो किसी के द्वारा नंबर मिला SDO साहब, यहाँ पे DSO साहब का, उनसे बात हुई तो उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने हमें एक वो लेटर इशू करा रामा हॉस्पिटल के लिए हापुड़, वहाँ लेके गए, वहाँ जाके हमने भर्ती करा दिया. तो आप ऐसे मतलब अस्पताल से अस्पताल जा रहे थे? जी. और एक अस्पताल ने आपको सीधा कह दिया हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप ले जाओ जहाँ मर्जी ले जाइए, अब ना कहीं भी ले जाइए. फिर एम्बुलेंस वालों की भी यही है कि जहाँ 2,000 रुपये लग रहे हैं वहाँ 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, हमें 10 हज़ार रुपये रात को देके फिर हम लेके गए उन्हें, फिर हमने रामा में भर्ती कराया तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था. तो उसके बाद जब पर पैसे ज़्यादा मांगे? जी जी. कितने ज़्यादा? पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं पर 10 हज़ार रुपये बनते नहीं है ना किसी, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसी गरीब आदमी पे 10 हज़ार ना हो तो वो क्या करेगा. सरकारी एम्बुलेंस मिल नहीं पाई तो उसके बाद में फिर एस साहब ने लेटर बनाया DSO साहब ने, फिर हम वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने भर्ती कर लिया, बहुत 2-3 घंटे बाद भर्ती करा. करने के बाद आज सुबह किसी वहाँ के जो होता कर्मचारी है उसके द्वारा हमने उसे कह के उसे बात करवाई तो हमारी बुआ जी की बात हुई हमसे, तो बुआ ने कहा मैं ठीक हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे
एक रूडली व्यवहार हो रहा और मतलब इतना वो नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसके बाद हमें एक डेढ़ घंटे बाद फ़ोन आता, उनकी हालत सीरियस है। हम वहाँ पहुँचे तो उसका क्या, उनकी डेथ हो गई। तो उधर उन्होंने सुबह चाय भी पी है, पार्ले जी के दो बिस्कुट भी खिलाए उन्हें। तो आपको आपका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे अभी जो जैसे हम देख रहे हैं इतनी इतनी यहाँ पर जैसे चिता जलाई जा रही है कि गिनना भी आसान नहीं है और मतलब दिल को दर्द हो रहा है। लेकिन आपके लिए तो आपकी बुआ जी गई, आपके परिवार के दो और सदस्य गए, तो एक गरीब आदमी जो है वो खास करके सफ़र कर। बिल्कुल, मतलब कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे ना हमारे देश में एक अर्थव्यवस्था नहीं, अभी तो ये कोविड की छोटी सी है, ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी आपदा आ गई तो क्या होगा? आपको छोटी लग रही है? नहीं, बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये तो इससे बड़ी आपदा आ गई तो क्या होगा जब इसमें हमें अस्पताल तक नहीं मिले जा रहे। हमारे इधर विजयनगर में इतनी ज़मीन मिलिट्री खाली पड़ी है, वो चाहते तो यहाँ कोविड के अस्पताल बना सकते थे। बहुत जगह पैसा खर्च करा इधर उधर, पर वहाँ अस्पताल नहीं मिले, ना स्कूल मिले ना अस्पताल मिले। तो आप कहते हैं कि जब एक सिटीजन को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, ना स्कूल मिलता है टाइम पे, जब हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तो अस्पताल नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल ना, गाजियाबाद में केवल दो सरकारी हैं, संजय नगर और एमएनजी, और प्राइवेट ले प्राइवेट कम से कम 150 अस्पताल होंगे। तो प्राइवेटों को लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता और सारे नेताओं के या बिजनेसमैनों के, सरकारी दो ही क्यों? और पैसे भी तो नहीं होते ना हर इंसान के पास? बिल्कुल, पैसे नहीं होते। आपके लिए लॉकडाउन का ईयर कैसा रहा? मैम बहुत ख़राब रहा, ट्रांसपोर्ट सब बंद था, बट ये है जैसे गुजारा करा वो करा। अब ये सदमे तीन तीन बर्दाश्त नहीं होते। क्या बोलना चाहेंगे हमारी सरकार से, हमारे नेताओं से? बस हम सरकार से नेताओं से बोलना चाहते हैं कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे वो करा जाए। पब्लिक के जो छोटे तत्व के आदमी उनसे पूछा जाए कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब बड़ों से नेताओं से उनसे पूछने क्या, वो तो सब चीज़ है उन पर। बिल्कुल ठीक बोले, और बहुत अफसोस हमें कि आपकी आपके साथ जो हुआ। सर जी आप भी सेम परिवार के हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर क्या मुश्किल नहीं, काफ़ी कुछ बोला है बच्चे, फिर भी आपके दिल में कुछ हो तो आप बोलिए। दिल में यही, बस जब क्या करें, परिवार से छूटता जा रहा है, रोज़ जरा सी देर में बात होती है और जो है चलता बनता है, तो क्या कर सकते हैं। चलें आप अपना ख्याल रखिएगा, तो यही कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन से एम्बुलेंस भी लगी है, पीछे तक एम्बुलेंस लगी है, और ये शायद एम्बुलेंस के साथ है, और यहाँ पर पीपीई पहने लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे आप जहाँ देखें यहाँ पर एम्बुलेंस में वेटिंग चल रही है। इस एम्बुलेंस में बॉडी है, लेकिन इतनी जगह यहाँ पर सब भरी हुई है, क्रिमेशन ग्राउंड में इतनी जगह भरी हुई है, हर कोने में थंडर स्टॉर्म के बीच में द क्रिमेशंस आर ऑन, एंड इन एम्बुलेंसेज लाइक दिस वन आर फैमिलीज वेटिंग विद बॉडीज टू गेट देयर टर्न। Space is running out in hospitals, oxygen is running out, drugs are running out, but even places to say farewell, to perform the antim sanskar for those who have died, that space is also running out. You can see the amount of wood here and it tells you its own story, and you can see here the men who prepare the stretchers on which the bodies will be taken out. और मैं आपसे भाई साहब दो मिनट बात करूंगी। नमस्ते, आपकी कोई किसी फैमिली में किसी की डेथ हुई कि आप मदद करने आए? नहीं नहीं, हमारे फैमिली हमारे भाभी की हुई है। आपकी भाभी की डेथ हुई कोविड से? हाँ। तो मैं आपसे सर आपका नाम पूछूंगी दो मिनट। अशोक कुमार का। अशोक भाई कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद की है? गाजियाबाद के। हाँ। और भाभी कितने दिन रही अस्पताल में, और अस्पताल मिलने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप मतलब कितनी उम्र थी भाभी की? 52 साल। और यहाँ कितना घंटे से वेट कर रहे हैं? 6 घंटा हो गया। और क्या बोलते हैं शमशान घाट वाले? बोलते हैं नंबर आएगा तो होगा, बोलेंगे क्या अब इलेक्ट्रिक एक है और ये अपना मना कर दिया, आप लोग नहीं होगा लकड़वाली नहीं होगी। आप मना क्यों ना, मीडिया वाले मना कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत हमारी तरफ से अफसोस। ही अशोक जी हैं जिनको बोला गया है कि जब आपका नंबर आएगा तब आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बारी आएगी। वी आर टॉकिंग ऑफ डेथ्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इट्स एक्चुअली चिलिंग, एंड हियर बिफोर दे कैन इवन प्रोसेस लॉस दे आर एक्चुअली मेकिंग द स्ट्रेचर देमसेल्व्स। वो खुद ही बना रहे हैं जिस पे वो अपने रिश्तेदार को लेके जाएंगे। और अगर मैं इस तरफ आई तो मैं आपको थोड़ा यहाँ का दृश्य अपने कैमरा कॉलीग से बोलूँगी कि वो दिखाएं कि जगह बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो गई है। इसी क्रिमेशन ग्राउंड से वी सॉ दो शॉकिंग विजुअल्स व्हेन
bodies were just lying out on the pavement, literally on the road where I'm walking right now, because there was literally no space. And for miles till you can see in the distance, agar aap yahan se khade hoke dur tak dekhen, to aapko sab jagah ek hi nazariya milega. Begging the question that will we ever really truly know how many lives COVID has claimed? Is someone keeping count? There will be questions about data and numbers, and those will come later. But right now the questions are all about grief, tragedy, and an unrelenting sense of loss. As we leave the Hindon cremation ground, people are still waiting. It's going to be a long, long night. On the main highway across the stream from the cremation ground, this is what the riverbank looks like. The darkness of the night lit up by orange flames. We counted dozens of funeral pyres in a single evening ourselves. Yet officially, Ghaziabad has reported only 8 deaths in the last 24 hours. Earlier, as the bodies piled up at the grounds for the month of April, it was reporting only 2 deaths officially. The discrepancy between official numbers and what we are seeing on the ground at funeral sites is happening across districts and across states. In Delhi, for instance, a controversy is brewing. On the 16th of April, official COVID fatalities were at 141. But the North Delhi mayor cited data from cremation grounds to claim 193 deaths on the same day. In Surat in Gujarat, undertakers at the city's main cremation ground told us they were bringing in 100 bodies a day on average at one single site. But on the 17th of April, official numbers pegged deaths for the entire state at just 78. Similar discrepancies are evident in key cities and districts worst hit by COVID. If the tragedy were not colossal enough, we are now confronted with the absence of transparency, leaving many to wonder, will we ever truly know how many lives COVID is claiming in India? Outside of the national capital region, in places like Surat in Gujarat, volunteers say on an average 100 bodies are cremated in a single day. Frames of crematorium furnaces have melted as the pyres are set on fire continuously through the day. Bridges made of metal corroded and melted from too many bodies lit on too many pyres. This single image from Surat's Ramnath Ghela funeral site says it all. As body after body is wheeled in, so quickly and so many that we can barely keep count. Those in charge of the ground say there have been days that they have lit 100 pyres. And as space falls short, as do men to perform the last rites, cremations are now sometimes being carried out in open grounds and fields like this one, usually reserved for the burial of small children and babies. In Surat, the scenes of grief and loss and rage at the crematoriums and the graveyards is almost indescribable and unspeakable. We've all seen the terrible, disturbing reports of furnaces that have burnt, metal strips that have turned to black because of the number of cremations that are having to be performed. And at this cremation ground here, there's a steady stream of people. If you turn around, you can see the crowds everywhere. Literally in the time that we have been here, there's been ambulance after ambulance after ambulance bringing in the bodies. And I'm going to try and get you a
sense of the human loss behind the numbers, because this is about real people. And we're here to talk to the family of Anil ji, who was in his early 50s. Anil bhai unko kehte the, aur unki death hui hai covid se, aur unka parivar yahan hamare saath hai. Aur main thoda sa yahan pe agar beech mein khadi ho jaun sir, pehle to hum logo ki taraf se prarthna aur condolences. सर ये अनिल भाई की एग्जैक्ट उम्र क्या थी? 52. और आपका नाम क्या है सर? आशीष जोधाणी. आशीष भाई ये बताइए कि क्या हुआ, कितना दिन हॉस्पिटल में उनको बिताना पड़ा, हॉस्पिटल में बिस्तरा और ट्रीटमेंट क्या आसानी से मिल गई, क्या हुआ? नहीं, वो सिविल में, वो प्राइवेट में तो जगह ही नहीं है. और सिविल में जो हम वहाँ पे गए तो उसमें सिविल में तो कोई एक नंबर थर्ड नंबर की ट्रीटमेंट देते हैं, और सिटी स्कैन का तो सिविल में अलाउड नहीं है, सरकार की गाइडलाइन है. मतलब क्यों, ऐसा क्यों? वो सरकार की गाइडलाइन है कि कोविड पेशेंट हो तो उसको सिटी स्कैन और MRI ऊपर से ही बंद है. नहीं पर कोविड पेशेंट में तो सीटी स्कैन सबसे जरूरी चीज़ है. हाँ तो सिविल में करते ही नहीं है ना, इसीलिए तो समझ लो 4-5 दिन हम वहाँ पे रहे, कोई सुधार नहीं हुआ. तो प्राइवेट में गए तो उसने बोला कि भाई सिटी स्कैन करना पड़ेगा, तो 70% इन्फेक्शन फेफड़े में लग गया था. तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली? हाँ प्राइवेट में जगह नहीं मिली. कितना दिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कोशिश किए? जब से हम वहाँ पे गए थे सिविल में, तब से 4 दिन से प्राइवेट में हम पूछ रहे थे. तो ये परिवार कहते हैं कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और सिविल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुई आप उससे खुश नहीं है? नहीं खुश है. क्या हमारा हमारा पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या दे रहे, क्या कर रहे, कुछ मालूम नहीं पड़ता. बराबर सिटी स्कैन नहीं होता तब तक हमारा दर्द का कुछ था नहीं. सब 75% पूरा हो गया तब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करवाया, तब उसने बोला कि आपका पेशेंट को 75% कोरोना हो गया. आप कह रहे हैं जब तक सीटी स्कैन हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ इट वाज टू लेट. हाँ तो तब हमको मालूम पड़ा हमारा पेशेंट इतना कोरोना इतना सीरियस है. तो ये मुझे समझ नहीं आई. और आप अगर देखें पीछे, अगर आप थोड़ा सा कैमरा को घुमाते हैं तो आप देखें कि लगातार यहाँ पे देर इज अ रिलेंटलेस फ्लड ऑफ बॉडीज दैट आर बींग ब्रॉट इन. लिटरली मुझे यहाँ पे आधे घंटे से कम हुआ है और मेरी गिनती ही बंद हो गई है. यहाँ जिस लेवल की कैजुअलिटी फिगर्स हम देख रहे हैं, और कुछ लोग आके PPA प्रोटोकॉल में मदद कर रहे हैं. सर अगर थोड़ा सा आप आगे आ जाए, मैं आपसे भी पूछूंगी क्या मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फैमिली को क्या रही? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही मेडिकल फैसिलिटीज को फाइंड करने की. मतलब जिस तरह से स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट गेट एडमिटेड एनीवेयर. इवन सिविल वी गॉट लकीली बट इट इज ऑलवेज फुल. और उसके बाद अगर एडमिशन मिल भी गया देन मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन मिल नहीं रहा है कि क्योंकि कोई दवाइयों की कमी है. एक इंजेक्शन चाहिए तो है नहीं, वो ब्लैक रेमडेसिविर या टॉसिलिज़ुमैब. हाँ वो दोनों ब्लैक में 5-10 times में मिल रहा है. सो इट्स हॉरिबल सिचुएशन हियर एंड आई एम नॉट श्योर हाउ गवर्नमेंट इज टैकलिंग इट बट इट्स हॉरिबल. What are people here feeling? Because यहाँ पे क्रेमेशन ग्राउंड में मुझे आके लग रहा है कि कैजुअलिटीज फेटेलिटीज बहुत हाई है. एट दिस पॉइंट फॉर अस आर फैमिली मेंबर वी आर नॉट इवन ready to accept that we lost our family member. Like it is so quick and there was no proper guidelines, no proper remedies done. So I don't have any words for that. And you're saying you weren't happy with the treatment you got at the government hospital, and at private hospital you couldn't either, get space. Either way, even if I get a space then there is no medication, like there is no proper injections out there in the market. Like if you have to go you have to find, you'll find anything in the black market, but legally there is nothing out there. So not sure what's going on in there, but it's kind of a very ill management around here. लोगों में अभी गुस्सा है कि there's too much shock for there to be anger. क्या आप भावना क्या बताएंगे अपनी? At this point, I literally don't have any words for it, like to describe what we are going through. No words. ये अनिल भाई का पूरा परिवार है यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अनिल भाई हैं. अनिल भाई क्या करते थे? टेक्सटाइल बिजनेस. और आपकी क्या रिश्तेदारी थी उनसे? मेरा कजिन ब्रदर है. और आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके फैमिली के लोग बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल हुई ट्रीटमेंट मिलने में. ट्रीटमेंट मिलने में भी मुश्किल हुई और मेडिसिन वगैरह में भी मुश्किल हुई है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो अभी है कोविड का ये चल रहा है सूरत के अंदर, वो माहौल पूरा ज़्यादा खराब हुआ हुआ है. उसके अंदर सामने इतना मेडिसिन वगैरह अवेलेबल नहीं है, नहीं वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं, उसके सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है अभी. अब आप शमशान घाट में आए हैं और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है. अगर हम इर्द गिर्द हम अपना देखें और पीछे तक आप देख सकते हैं, पीछे
क्रिमेशंस जारी हैं एक के बाद एक, और हम लोग आए हैं दिल्ली से, लेकिन हम सब ने वो तस्वीरें देखी कि फर्नेस भी जल गए हैं, पीतल जो है मेटल है वो काला हो गया है, यहाँ पे ओपन ग्राउंड्स में क्रिमेशन हो रही है। सर, आपको कोई अंदाज़ा कि आप लोग कब लास्ट राइट्स, अपना जो अंतिम संस्कार है वो कर पाएंगे? हमें अभी तो पता नहीं, हम जस्ट अंदर आए अभी तो, अभी एक दो घंटा तो लगेगा शायद। कह नहीं सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ का फाइनल वर्ड कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को क्या हो रही है? मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको, हर दो मिनट पर ऐसे स्ट्रेचर जाता है और स्ट्रेचर बॉडी को लेकर आता है, और शमशान घाट में भी जगह की कमी हो रही है। तो आप आखिर में दर्द बहुत एक लॉस का टाइम है, कुछ अगर आप बोलना चाहें तो कि भाई सूरत में इस समय मूड क्या है लोगों में? सूरत का तो पता नहीं, बट हमारे परिवार में ये एक बड़ा लॉस है, एंड आई डोंट थिंक सो वी आर इन एनी मूड, लाइक एंगर, सैड, लाइक वी आर जस्ट, यू आर जस्ट इन शॉक, वी आर स्टन्ड। थैंक यू एंड अगेन आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। और जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये एक परिवार की कहानी थी, लेकिन हर परिवार के लिए अपना जो इंसान खोता है वो सबसे बड़ा एक लॉस होता है। हम तो आंकड़ों में कहानियाँ कई बारी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग अपने लव्ड वंस को खोते हैं उनके लिए आंकड़े नहीं हैं, उनके लिए वो इंसान है। और आप अस्पताल की बात करिए तो जगह कम है, आप ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन कम है, आप रेमडेसिविर की बात करिए तो रेमडेसिविर कम है, और आप शमशान घाट में आते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और यहाँ भी शायद जगह कम है। आप देख सकते हैं दूर तक, पीछे तक दिस क्रिमेशन आफ्टर क्रिमेशन in Surat, where the grounds, open grounds have had to be used, and you can see the willows of smoke high up above in the blue skies. In fact, the relentless sight and smell of death. The pandemic has cut across divides. People of different religious communities are reaching out to each other for help. In Surat, when the families of the deceased COVID patients are fearful about performing the last rites of the bodies, there are Muslim volunteers who are looking after the cremations to ensure that COVID protocols are being followed. Have you ever considered that at a time when sometimes relatives, families are too petrified, there's such a fear psychosis of performing the last rites for their loved ones, who are those people who are overseeing all of the protocols at cremation sites like this one at Surat? First, let me give you a sense of how grim the situation is. Everywhere around me, you can see wood. This wood, of course, is for the funeral pyres. You can see a woman there in the distance who's helping unload these stacks of wood so that they can be converted into funeral pyres. The number of bodies being brought in is so many that many of the cremations are being performed in open grounds. And what I want to do right now is to introduce all of you to two men, two volunteers. I met them while reporting here, Dinesh and Shahid behind me, who are selflessly helping perform so many of these cremations. और मैं इनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ, मैं बीच में खड़ी हो जाऊँ। आप देख सकते हैं ये पीपीई किट में पहने हैं और ये पहने हुए हैं, सब अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये दिनेश भाई हैं इस साइड और ये शायद भाई हैं इस साइड। दिनेश भाई, यहाँ पे अगर मैं कैमरा को बोलती हूँ थोड़ा इस तरफ आए, आप ये बताइए कि आप इस काम में कैसे इन्वॉल्व हुए? ये जैसे भी कोई काम होता है वो दिल से करना चाहिए, वो चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो उसमें मन लगना चाहिए। ऐसे ही लोगों को सेवा करने का सब किसी को मौका नहीं मिलता जो मौका मुझे मिला है। और रही बात कोरोना की महामारी अपने देश में चल रही है, बहुत बहुत गंभीर परिस्थिति हो गई है, लेकिन एक बात रही थी, पैसे तो अपन ऐसे कमाई भी सकते हैं, लेकिन जो महीना दो महीना ये महामारी जो चल रही है, ये दो महीने में जो लोगों की सेवा करने का जो फर्ज मुझे अदा करने का जो मौका मिला है वो दिल से बहुत आप हम आपको दाद देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं। आप पहले क्या काम करते थे? पहले तो मैं स्कूल में टीचर का काम करता था। अच्छा। वो और 5-6 साल नासिक में ड्यूटी भी किया हूँ मैं,
जैसे कंपनियों में काम किया। टीचर का दिल आप अभी भी यहाँ लेके आए हैं शमशान घाट पे। जज भाई आए भी, बहुत बहुत दिल आपका बड़ा है। और ये शाहिद भाई है, शाहिद भाई वही सवाल आपसे पूछूंगी। आप देख सकते हैं दिनेश और शाहिद, इनकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे आए इस लाइन में? मैं मैडम मजदूरी करता हूँ। मैंने किस चीज़ की मजदूरी करता? मैं पलाई की गाड़ियाँ खाली करता हूँ। मैंने बहुत गरीबी देखा है, महामारी में लोग कितने मरते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, कैसी कैसी परिस्थिति अभी, इस वजह से हम लोग ये सेवा में जुड़े। तो बिल्कुल ये सेवा है, ये कोई नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है, हम दिलो जान से इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ वाले भी हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। हमारा खान ग्रुप पूरा इसमें है, 150 जैसे हम लोग हैं। हम दिलो जान से मेहनत करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम होए। पर अभी ऐसा टाइम आ गया है कि यहाँ भी वायरस बढ़ते जा रहा है, पब्लिक घटते जा रही है। हम भी खुद लगातार दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं कि लोग बचे, पर यहाँ ऐसा भी कुछ हो नहीं पा रहा है। एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? एक हम 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी, 12 घंटे में मिनिमम कम से कम यहाँ 100 लाशें जैसी आ जाती है। 12 घंटे में आप 100 लाशें देखते हैं? हाँ। दिनेश भाई इसमें आप अगर कुछ बोलें, कितने ऑन एवरेज कितनी बॉडीज आप देख रहे हैं? ऑन एवरेज तो करीबन 100 तो नहीं है, लेकिन कोरोना की 20-25-30 तक आ जाती है। और ग्रेजुअल आपके 12 घंटे की शिफ्ट में, ग्रेजुअलिटी में तो देखो उम्र के हिसाब से तो आदमी मर रहे हैं, वैसे तो उसको कोरोना भी नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि नॉन कोरोना की जो है वो 60-70 बॉडी आ जाती है। पर ये भी तो एक सवाल है ना कि कैसे एक 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 डेथ कोविड क्लासिफाई होती है या नहीं, इस पर भी बड़ी चर्चा है। एंड दिस रेजेस द क्वेश्चन अगेन, एट द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक एंड देयर विल बी एन एंड, हाउ विल वी काउंट आर डेड? दिस हैज बीन अ कंट्रोवर्सी इवन इन 2020। शायद भाई मैं आपसे पूछूंगी, ये अगर लगातार 12 घंटे रोज कोई इतनी डेथ की एक्सपोजर देखे जैसे आप लोग देखते हैं, तो आपके भी मानसिक सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी पे और दिल पर असर पड़ता होगा, चोट पहुंचती होगी, तो उसके बारे में बात करें। हमारा भी दिल थर्रा जाता है इसमें ये चीज़ें देखकर, फिर भी हम हिम्मत करके ये काम करते हैं। और हमारे सारे लोग ये सोच के करते हैं कि ये एक सेवा है, ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं है 12 घंटे की, ये दिलो जान से हम मेहनत करते हैं। हमारे जितना बन सकता हम उतना कर सकते हैं मैडम, बस इतना ही है। आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का है? कोविड ऐसा, हम ऐसे हालात में हैं, मैंने खुद देखे हैं, परिवार वाले खुद कतराते हैं, आपने भी ये देखा होगा, जो अपने दिलो जान से प्यार करते हैं लेकिन बॉडी को हैंडल करने से डरते हैं। एक बात बोलूं मैडम, मैं लगातार महाराष्ट्र का हूँ, 8 साल से मैं अस्पताल का ही काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने छोटे छोटे बच्चों के भी सर्जरीज डॉक्टर्स द्वारा की है, वो बिना शुल्क 1 रुपया न लेते वक्त मैंने मुंबई ले जाके उन सबके जो हालात है वो सबको नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने उन सबको देख के ना छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन भी किए हैं, और 8 साल से मैं सेवा का ही काम कर रहा हूँ गांव में। और यहाँ आया सूरत में, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हो रहे हैं मुझे। 2 महीने में मैंने 1 महीना बाहर काम किया, जो वहाँ मुझे सुकून नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जब मैं काम को लगा तो यहाँ पे बहुत सुकून मिला। लेकिन डर नहीं, डर नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे दिल के अंदर, तो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। जब तक जिंदा हूँ तब तक तो डर नहीं मान सकता मैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछूंगी, आप शाहिद हैं, आप दिनेश हैं, हम खड़े हैं शमशान घाट में जहाँ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार होते हैं। जो मौत है ना वो धर्म नहीं पहचानती है, वो तो इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहे शायद भाई। नहीं, धर्म मरम तो सब यहीं आके बना है, बस जो कुछ भी है ऊपर वाले के हाथ में, हमारे ऊपर भी ऊपर वाले का हाथ है, सबके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। अब डर और नी डर वो यहाँ आके सब खत्म हो जाता है। और ये धर्म तो ये आदमी की बनाई हुई डिविजन। मैडम आपने जो बोला धर्म, यहाँ पे अगर धर्म देख के अगर लोग मरते होंगे तो यहाँ पे धर्म देख के ही लोग सेवा कर सकते, लेकिन हमारा वैसा नहीं। सब भारतीय इंडियन क्यों बोलते हैं? इंडियन बोलने का मतलब ये है कि हम सब एक है। बिल्कुल, हाँ, हम सब अगर एक है तो इसमें धर्म की बात ही नहीं आई। अगर धर्म की बात आएगी तो अपने समाज का, अपने धर्म का जो भी कोई आदमी होगा, वो यहाँ पे ड्यूटी को होगा। अगर सब धर्म पर अगर अड़ गए धर्म पे, तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आएगा ड्यूटी को। आपने बहुत बढ़िया बोला कि हम भारतीय पहले हैं, धर्म मौत के टाइम वैसे भी कौन
आप ईश्वर को याद करिए, अल्लाह को याद करिए, भगवान को याद करिए, जीसस को याद करिए, कोविड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कहानी शायद और दिनेश की। ये हमारे दो बहादुर वॉलंटियर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। वैक्सीन मिली क्या आपको? हाँ जी जी, वैक्सीन मिली। वैक्सीन तो चले, शुक्र है वैक्सीन मिली, क्योंकि ये भी उसी तरह ड्यूटी और हेरोइज़म दिखा रहे हैं और कंपैशन दिखा रहे हैं जिस तरह डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स दिखाते हैं। और हम इनको दाद देते हैं, ये जा रहे हैं, हम इनको अब अपना काम करने देंगे। और मैं कैमरा से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि एक फैमिली इनके इंतज़ार में है और ये उनकी मदद करने जा रहा है। एंड वी लीव यू विद दीज इमेजेस ऑफ दीज ब्रेव वॉलंटियर्स हु हेल्प फैमिलीज पे द लास्ट राइट्स टू देयर लव्ड वंस इन द एज ऑफ कोविड। From Surat to Delhi, doubts mount over official death count of COVID patients. At a crematorium in the national capital, pyres burn 24/7. With mass cremations taking place, many are saying the deaths are being underreported. और ऐसे वक्त पर जब मास क्रिमेशंस हो रही हैं एट क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड ग्रेवयार्ड्स, हमें उन वॉलंटियर्स की भी दाद देनी है जो ये सब काम सेल्फलेसली एज अ पब्लिक सर्विस कर रही है। यहाँ शंटी जी हमारे साथ हैं। मुझे 2020 में भी याद है, शंटी जी और उनके बेटे दोनों ही कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर भी उन्होंने कभी अपनी पब्लिक सर्विस यहाँ रोकी नहीं। शंटी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको जो आप लोग काम करते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो दृश्य हमें पिछले साल देखने को नहीं मिले। दीज आर मैस क्रिमेशंस। आप ऑन एवरेज एक दिन में कितनी क्रिमेशंस करते हैं? बरखा, ये वो शमशान घाट है जहाँ 10 से ज़्यादा बॉडीज नहीं आती थी, और जब पिछली बार पीक पे भी कोरोना गया तो 20 से 25 तक गई थी मैक्सिमम। मेरे को दिन भी याद है, वो 24 नवंबर का दिन था, तो हमने कहा बहुत डेड बॉडी आ गई है। और इस बार तो रिकॉर्ड टूट गए, या तो 60, 70, 80, और यस्टरडे 122 संस्कार हमने कराए हैं। अब इसमें आप हैरानी की बात होती है जब अखबार में पढ़ते हैं सुबह कि पूरी दिल्ली में सिर्फ 350 हुए, तो वहाँ माथा ठनक जाता है। अब वो कहते हैं जी ये कोविड उसको मानते हैं प्रशासन वाले कि जो सर्टिफिकेट लेके आए मोर्चरी से जी। अब मैं दो जवाब दूंगा, उसे कोई मेरे चैलेंज करके दिखाए मेरे को। नंबर वन, जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है और उनकी डेथ हो रही है, कोई ऐसा साधन नहीं है इनके पास, डिजास्टर मैनेजमेंट के पास या इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वो कॉल कर करके थक जाते हैं, ये बॉडी नहीं उठाते हैं, फिर फ़ोन शहीद भगत सिंह को आता है। अभी भी मैं घर से दो बॉडी ला रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले दोनों को सैनिटाइज किया, उनको पैक किया, फिर यहाँ नीचे लेके आया और यहाँ लेके आया हूँ। वो बॉडीज़ किस खाते में जाएंगी जी जो कोविड से मरी हैं? मैं अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कल 122 आई, सपोज 122 एक दिन में, यस थोड़ा आ गया, यस 122 आई, उसमें तो हमें कहीं जगह शिफ्ट भी करनी पड़ी, इसके मतलब दूसरे साइड्स पे। हाँ, इसके अलावा मोमडन बॉडी आई जो हमने दफनाया भी, अब यहीं पे नहीं, अलग अलग भेजा। अब देखिए क्या फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। 10 नेचुरल आती थी, सपोज आपने कह दिया जी आज 50 कोविड की आई हैं, 60 हो गई, 10 जेन्युइन आती थी रोज, 50 इन्होंने कहा जी कोविड की आई हैं, तो बाकी 60 किसकी थी जी? नेचुरल डेथ तो इतनी हो ही नहीं सकती दिल्ली में, सारे शमशान घाट भरे पड़े हैं, सारे मुर्द घाट भरे हैं, बाकी 60 भी कोविड की ही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा है और जो एक्चुअली ग्राउंड में हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क है? डबल का जी, मेरे को चैलेंज करें कोई, नहीं तो मैं उसका प्रूफ दूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो घरों में क्वारंटाइन लोग हैं, जब वो सरकार ने अनाउंस कर दिया जी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और जाके ले भी कह लेंगे जी, वहाँ ऑक्सीजन वानी है, बेड वानी है, वेंटिलेटर वानी है, इंजेक्शन वानी है, हर चीज़ की, तो कालाबाजारी शुरू हो गई दिल्ली के अंदर। सो वुड इट बी फेयर टू से शंटी जी कि शायद हमें जब ये पूरा क्राइसिस ख़त्म होगा
क्या, वी मे नेवर नो हाउ मेनी पीपल डाइड ऑफ कोरोना, उनका उनके वो काउंट ही नहीं, गिने ही नहीं जाएंगे। आप एक काम करिए ना, सेल्फ असेसमेंट के लिए कह दीजिए जनता को, जैसे आप कहते हैं ना कि हम आज फलां फलां हमने वोटों के लिए कर रहे हैं जी फलाना, आप करिए ना सेल्फ असेसमेंट, जब लोग भर के फॉर्म भेजेंगे ना, इनको पता लग जाएगा विद एविडेंस भाई। ये जरूरी थोड़ा ना कि मैंने एम्स से ही या गवर्नमेंट जीटीबी से इलाज कराया तो मैं कोरोना का पीड़ित हूँ, हो सकता है मैं छोटे हॉस्पिटल में गया हूँ। और बरखा जी, अब बड़ी बातें खुल के आई हैं, जो सारे पोल खुल गए हैं कि कुछ भी इंतजाम एक साल में इन्होंने नहीं किया। क्या कोई ब्लड बैंक बनाया ना, क्या कोई प्लाज्मा बैंक बनाया ना, इनको पता था बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्या कोई नए हॉस्पिटल खोले, क्या कोई। और सुनो सबसे बड़ी बात कि जो क्वारंटाइन सेंटर पीछे से चल रहे थे वो क्यों बंद कर दिए गए आनंद फानंद ने? क्वारंटाइन भी और जो जंबो फैसिलिटी बनाई थी उनका क्या हुआ? क्यों बंद कर दिए? क्या दिवाली फेस्टिवल था, खत्म हो गया? आपको पता नहीं था कि बाकी बाहर की कंट्री में क्या है, दोबारा आया तो क्या हुआ है? आपके यहाँ उससे भयंकर होने जा रहा है, ये देखिए ना लाइन जो लगी हुई, ये देखिए रात के 12 बजे तक आती रहेंगी बॉडी। आप देख रहे हैं कि एक मिनट नहीं है जब हम यहाँ खड़े हैं, जब कोई बॉडी नहीं आई। और यहाँ शांति जी हमें बता रहे हैं कि रात के 12 बजे तक ये चलता है, और वो पूछ रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पिछले साल के क्यों बंद हुए, जंबो फैसिलिटीज़ क्यों बंद हुई। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें, जो सबसे ज़्यादा आपको गुस्सा आता है वो क्या है? गुस्सा ये आता है जी कि दिल्ली के अंदर इंसान नहीं मर रहे, इंसानियत मर गई है। मुझे मेरा दिल दुखता है जब एक बहन यहाँ खड़ी होकर कल कह रही थी कि मैं 15 दिन पहले विधवा हो गई थी, मेरा पति मर गया था, आज मेरा जवान बेटा मर गया, मैं दोबारा विधवा हुई। दिल रोता है इस बातों से। ये दिल्ली में बैठे हम, जंगल से भी बदतर है दिल्ली हमारा इस समय, शर्म नहीं आती है इनको। किसको आप इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं, केंद्र की प्रदेश? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली को टैक्स देता हूँ, तो मैं दिल्ली का बोलूँगा। शांति जी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बहुत अहम सवाल है, वो दूसरे प्रदेशों में भी वही सवाल जारी है। हम जिस भी शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं, हम पाते हैं कि वहाँ जिस लेवल पे मैस क्रिमेशंस हो रही हैं या बेरियल्स हो रहे हैं, और आप ऑफिशियल डेटा से उनको कंपेयर करिए तो बहुत बड़ा गैप है। और दूसरी बात, जो उन्होंने सवाल उठाए क्वारंटाइन सेंटर्स की, उन्होंने सवाल उठाए जंबो फैसिलिटीज़ की, वो बिल्कुल ठीक सवाल है, और पूरा देश ये सवाल अब उठा रहा है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.